नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। हालांकि लॉकडाउन 3 फेज में ग्रीन जोन में छतरपुर जिला होने की वजह से कई चीजों में छूट दी गई है, फिर भी बहुत सी दुकानों में अभी भी प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके बावजूद और कलेक्टर के दिशा निर्देश निकाले जाने के बाद भी कई ऐसी दुकानें हैं जो कि प्रतिबंध के बावजूद चोरी छिपे खोली जा रही थीं और उनसे सामान बेचे जाने की खबर थी। प्रशासन द्वारा एक चक्कर लगाए जाने के बाद बहुत से ऐसे दुकान संचालक दिखे जो कि दुकान बंद करके भागते नजर आए, लेकिन कुछ दुकानें ऐसी भी थीं जो कि बाहर से शटर डालकर उनके भीतर से खरीदी का काम चल रहा था। इस बात की सूचना मिलने पर बहु बेटी कलेक्शन नामक दुकान पर कार्रवाई की गई है। धारा 188 के उल्लंघन पर ये कार्रवाई की गई है, जिसमें संचालक अंशुल गुप्ता के ऊपर कार्रवाई करने की बात कही गई है। दरअसल बताया जा रहा है कि दुकान में बाहर से शटर डालकर अंदर साड़ियों की खरीदी बिक्री की जा रही थी, जो कि फिलहाल अभी इस फेज में इन दुकानों के लिए प्रतिबंधित है। प्रशासन द्वारा रोक कर जब दुकान खुलवाई गई तो कोई बाहर नहीं निकला, लेकिन बाद में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पता चला कि अंदर 3 से 4 महिलाएं बैठी थी और उनको साड़ियों की खरीदी विक्रय चल रहा था। खबर मिली थी कि यहाँ पे कपड़े का विक्रय किया जा रहा है जो कि लॉकडाउन का उल्लंघन है, तो खबर मिलने पर जब यहाँ देखा गया तो बाहर से ताला लगाकर दुकानदार के द्वारा ग्राहक को अंदर बिठा के बिक्री की जा रही थी। और जब यहाँ पे ताला खुलवाया गया तो उस टाइम पे वापस बाहर नहीं आए। थोड़ी देर बाद जब सूचना मिलती है कि लोग बाहर निकले हैं और यहाँ ग्राहक अंदर बैठे हुए, तो तुरंत हमने अपनी टीम के साथ आके यहाँ पे जाँच की और यहाँ पे जो वीडियो फुटेज था दुकान का उसको निकाल के देखा गया तो उसमें पाया गया कि हाँ, ग्राहक अंदर बैठे हुए थे और वहाँ से बिक्री की गई है। तो वीडियो फोटोज को अपने लेते हुए हमने उसका पंचनामा बना के दुकान को सील की है। अपनी टीम के साथ पूरी कार्रवाई की गई है। अब इस पे आगे जो कार्रवाई होगी वो लॉकडाउन के उल्लंघन की पूरी कार्रवाई की जाएगी। दुकान में महिलाएं क्या खरीद रही थी, साड़ियां खरीद रही? हाँ बिल्कुल, वीडियो फुटेज में देखा गया कि 3 से 4 लगभग 3 या 4 महिला बैठी हुई है जो साड़ियाँ देख रही है, और एक जेंट्स भी है, 2 कर्मचारी भी बुलाए गए हैं, तो वो पूरी रिकॉर्डिंग मिली है हमें। बिल्कुल, गारमेंट्स को लॉकडाउन में कोई छूट नहीं है। जो कल कलेक्टर सर का आदेश हुआ है उसमें इसको प्रतिबंधित किया गया है, तो आगामी आदेश तक जब तक कोई परमिशन नहीं मिलती ये दुकान प्रतिबंधित ही रहेंगी। क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी ये दुकान को सील कर दिया गया है। 188 को उल्लंघन में FIR की जाएगी इनकी अभी। इसके अलावा बाजार में कई जगहों पर गोले बनाते हुए दुकानदार देखे गए। कई दुकानदार कंफ्यूजन की वजह से दुकानों के सामने शटर डाले बैठे हुए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उनकी दुकानें खुलनी है या बंद रहनी है। हालांकि प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर उनको वस्तु स्थिति से अवगत कराया है।